दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपने सिस्टम को प्रॉपर शट डाउन करके जाते हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम उसे ओपन करते हैं तो सिस्टम बूट नहीं होता है। आपके सामने कुछ इस तरह की एरर आ जाती है जिसको हम बीसीडी एरर बोलते हैं, बीएसओडी एरर भी इसको कहा जाता है। अब जनरली इस तरह की जो एरर है ये फॉल्टी अपडेट्स की वजह से, या फिर अपडेट अगर कोई फेल हो जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर दूसरा पावर कट की वजह से भी, यानी कि डायरेक्ट सिस्टम अगर बंद हो जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और बीसीडी एरर आने के बाद ऑटोमेटिक रिपेयर ऑप्शन भी काम नहीं करता है। लाख कोशिशें कर लो, बार बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो, लेकिन हमारा सिस्टम बूट नहीं होता। और ये एरर जीपीटी पार्टीशन स्टाइल के अंदर इंस्टॉल हुई विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों में आपको देखने को मिल सकती है। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने कभी इन फ्यूचर आ जाए तो इसके लिए आपको तैयारी पहले से करके रखनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी बीसीडी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप तैयार करेंगे। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ये जो बीएसओडी एरर होती है दोस्तों, ये अलग अलग रीजन की वजह से आ सकती है और हर रीजन के लिए अलग सॉल्यूशन अवेलेबल है। पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको बताया है, ये बीसीडी करप्शन की वजह से आपको जो प्रॉब्लम होती है इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह की बीएसओडी प्रॉब्लम के लिए यही सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्योंकि ये चीज क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन के अंदर गाली देने वालों की कमी नहीं होती है। चीजों को अच्छी तरह से वो समझते नहीं है और बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर आकर के मुझे भला बुरा कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल है दोस्तों, तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी विंडोज को एडवांस मोड के अंदर रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग के अंदर आते हैं और इसके बाद हम जाएंगे अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर। इसके बाद हम जाएंगे रिकवरी ऑप्शन और यहाँ पर है एडवांस स्टार्टअप, रिस्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको ट्रबलशूट वाला ऑप्शन चूज करना है और इसके बाद एडवांस ऑप्शन में हम आएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट। इसके बाद हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो यूजर नेम है उस पर आपको क्लिक करना है और अगर आपने कोई पासवर्ड दे रखा है तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, और पासवर्ड नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। कंटिन्यू। अब देखिए, हम जो बीसीडी का बैकअप लेने वाले हैं दोस्तों, वो जो पार्टीशन होता है वो हिडन होता है, तो हिडन पार्टीशन के अंदर हम डायरेक्ट कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, एक तो हिडन है और ऊपर से सिस्टम पार्टीशन है, तो हमें कुछ कमांड्स यहाँ पर यूज करनी होगी। तो सबसे पहले हम कमांड टाइप करेंगे डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और इसके बाद हम सेकेंड कमांड टाइप करेंगे लिस्ट डिस्क। इस कमांड से जितने भी स्टोरेज डिवाइस हमारे सिस्टम के अंदर कनेक्ट होती है उनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। ओके, अभी यहाँ पर सिंपल एक ही ड्राइव लगी हुई है और जो कि डिस्क जीरो आ रही है, तो अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। तो हम कमांड टाइप करेंगे सेलेक्ट डिस्क जीरो। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर कितने पार्टीशंस अवेलेबल हैं उनके लिए हमें कमांड टाइप करनी होगी लिस्ट वॉल्यूम, आप पूरा टाइप कर सकते हैं या VOL भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम इसको स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फैट 32 वाला पार्टीशन है जो कि हिडन है दोस्तों, यही हमारा बीसीडी का पार्टीशन है। ठीक है, और ये आ रहा है वॉल्यूम 3, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो कमांड है सेलेक्ट वॉल 3, स्पेस देना है आपको। ओके, एंटर करेंगे। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम 0 में D लेटर असाइन हो रहा है, 1 में C और 2 में E, लेकिन वॉल्यूम 3 के अंदर कोई भी ड्राइव लेटर असाइन नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको एक ड्राइव लेटर असाइन करना होगा। तो उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे असाइन लेटर और इजिकल टू लगाएंगे और मैं यहाँ पर Z ड्राइव लेटर इसको दे देता हूँ। तो यह हमारा सक्सेसफुली ड्राइव लेटर असाइन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस डिस्क पार्ट यूटिलिटी से हम एग्जिट हो जाते हैं। अब इसके बाद इस ड्राइव जो हमारा ड्राइव बना है जेड, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे जेड ड्राइव। ओके, और एक बार मैं DIR करता हूँ। अब देखिए, अब ये जो EFI फोल्डर है दोस्तों, यानी कि जो DIR है, ये पूरा एक EFI फोल्डर है, हमें इसी का ही बैकअप लेना है और बैकअप हम लेंगे हमारी विंडोज वाले सी ड्राइव पार्टीशन के अंदर। तो इसके लिए हमें कमांड टाइप करनी होगी एक्स कॉपी, स्पेस देना है हमको, जेड कॉलन लगाना है, फ्रंट स्लैश लगाना है, EFI लगाना है, स्पेस देना है। तो ये हो गया हमारा सोर्स ड्राइव। इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन ड्राइव का पाथ हम देंगे। तो डेस्टिनेशन ड्राइव हमारी है सी कॉलन। ओके, और मैं यहाँ पर वन नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसी के अंदर सारा ये जो EFI फोल्डर है कॉपी हो जाएगा। अब इसके अंदर सिस्टम फाइल्स भी है और कुछ हिडन फाइल्स भी है, तो ये डायरेक्ट कॉपी नहीं होती है। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, बैक स्लैश लगाएंगे, ई
/h/c/i, ये कमांड आपको देख लेनी है, ओके एंटर करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी जो फाइलें हैं ये हमारी अब कॉपी हो चुकी है, ओके काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो अब हमारे सी ड्राइव के अंदर वन नाम से फोल्डर के अंदर कॉपी हो चुकी है। तो बैकअप का काम हमारा कंप्लीट हो गया है, तो एक बार हम बैकअप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसे करते हैं क्लोज और कंटिन्यू टू विंडोज 10। हम दिस पीसी में जाएंगे और सी ड्राइव ओपन करते हैं, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वन नाम से एक फोल्डर बन गया है जिसके अंदर ये सारी फाइलें हमें मिल गई है, ओके। तो ये हमारा पूरा का पूरा EFI फोल्डर बैकअप क्रिएट हो चुका है। जिस तरह से हमने बैकअप लिया था लगभग लगभग उसी प्रोसीजर से हम उस बैकअप को रिस्टोर करेंगे। इसके लिए हमें जरूरत होगी विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव की, ठीक है। तो बूटेबल पेन ड्राइव आपको आपके सिस्टम से कनेक्ट करनी है, पावर ऑन करना है, टेम्प्रेरी बूट मेन्यू आपको ओपन करना है, और यहाँ से UEFI प्लस आपकी जो भी पेन ड्राइव का नाम है ये जो आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और सेटअप को स्टार्ट करना है। इसके बाद जो फर्स्ट सेटअप आपको नजर आता है यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है रिपेयर योर कंप्यूटर का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ यहाँ पर ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, और इसके बाद हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट वाले ऑप्शन के अंदर, ओके। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट एक बार फिर से हमारे सामने आ गया। अब हमें क्या करना होगा, फिर से टाइप करनी होगी कमांड्स। तो हम सबसे पहले कमांड टाइप करेंगे डिस्क पार्ट, और इसके बाद हमारे सिस्टम के अंदर कितनी स्टोरेज डिवाइस है उनको जानने के लिए हमें कमांड टाइप करनी होगी लिस्ट डिस्क, ओके। अब देखिए मेरे केस में यहाँ पर सिर्फ एक ही डिस्क कनेक्टेड है, तो यहाँ पर सिर्फ डिस्क 0 यानी कि एक ही डिस्क दिखा रहा है। आपके यहाँ पे डिस्क 2, 3, 4 ऐसे भी दिखा सकता है अगर आप मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। तो ये आपको मैन्युअली चेक करना होगा कि कौन सी डिस्क के अंदर आपकी विंडोज इंस्टॉल्ड है, ओके। तो मेरे केस में डिस्क 0 है, तो मैं क्या करूंगा इसको अब सेलेक्ट करूंगा। तो हम कमांड टाइप करेंगे सेलेक्ट डिस्क 0। अब इसके बाद इसके अंदर कितने पार्टीशन है वो जानने के लिए हमें फिर से कमांड टाइप करनी होगी लिस्ट वॉल्यूम्स, ओके। अब आप देख सकते हैं अब यहां पर जो फैट 32 वाला पार्टीशन है दोस्तों अब ये आ रहा है वॉल्यूम 2 के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा सिर्फ इसी पार्टीशन को सेलेक्ट करना होगा, ओके। तो इसके लिए हम फिर से कमांड टाइप करेंगे सेलेक्ट वॉल्यूम 2, तो ये हमारा 2 वॉल्यूम सेलेक्ट हो गया है। अब इसके अंदर से फिर से आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2 के अंदर कोई भी लेटर असाइन नहीं हो रखा, तो हमें फिर से इसे एक ड्राइव लेटर असाइन करना होगा क्योंकि ये सिस्टम पार्टीशन है हिडन रहता है। तो इसके लिए हम फिर से कमांड टाइप करेंगे असाइन लेटर इज इक्वल टू जेड, ओके। ड्राइव लेटर जेड हमारा सक्सेसफुली असाइन हो चुका है, तो डिस पार्ट से हम हो जाते हैं एग्जिट, ओके। अब हमें क्या करना होगा हमारा जो बैकअप था उसको रिस्टोर करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक बार हम आते हैं हमारी सी ड्राइव के अंदर। देखिए विंडोज जब भी बूट होती है तो जिस भी ड्राइव के अंदर विंडोज होती है वो उसको ड्राइव लेटर ऑटोमेटिक सी असाइन हो जाता है, लेकिन अभी हमने रिकवरी मोड के अंदर USB पेन ड्राइव से हमने सेटअप चालू किया है, तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि हमारी जिसमें विंडोज इंस्टॉल है उसका ड्राइव लेटर सी ही हमको मिल जाए। तो ये हमको पहले चेक करना होगा, तो चेक करने के लिए मैं सी ड्राइव पर आ गया हूं, और इसके बाद हम कमांड टाइप करेंगे DIR, ओके। और देखिए हमने जो वन नाम से फोल्डर का बैकअप बनाया था ये मिल गया है, तो इसका मतलब विंडोज का पार्टीशन अभी भी सी ड्राइव ही है। तो ये भी आपको पहले मैनुअली चेक करना होगा, सी है तो सी में आना है, डी है तो डी में आना है, ई है तो ई में आना है, ये आपको मैनुअली चेक करना होगा। इसके बाद हम कमांड टाइप करेंगे एक्स कॉपी, अब सोर्स जहां पर हमारा बैकअप रखा हुआ है, तो सोर्स है हमारा ये वाला, ओके C:1, ठीक है। इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन ड्राइव हमारा है जेड, ओके तो Z ड्राइव हम देंगे, और इसके बाद EFI, ओके इसके बाद स्पेस देना है, और फिर से हमें लगाना है /e/h/c/i, ये कमांड हमारी पूरी हो गई है, और सिंपल इसके बाद एंटर करना है। तो ये सारे फाइल्स वापस अपनी जगह पर रिस्टोर हो चुकी है, दैट्स इट, इतना ही है, और अब आपका सिस्टम रिपेयर हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है इसको कर देना है क्लोज और सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और अब आप देखेंगे कि जो आपकी विंडोज है वो अब नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो गई है, और जो सिस्टम में एरर थी वो सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों इसी तरह की यूजफुल और टेक्निकल वीडियोस देखते रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर आपके कोई मन में सवाल है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।